तब्बल 22 वर्षांनी अभिनेता सनी देओलचा बहुचर्चित गदर 2 हा चित्रपट प्रेक्षकांच्या भेटीला आलाय. निर्मात्यांनी मुंबईत चित्रपटाच्या भव्य स्क्रीनिंगचं आयोजन केलं होतं. या स्क्रीनिंगला अनेक सेलिब्रिटींनी हजेरी लावली होती. यातील विशेष बाब म्हणजे अभिनेते नाना पाटेकर यांची देखील यावेळी उपस्थिती होती. काही दिवसांपूर्वी नाना पाटेकर यांचा रेड कार्पेटवरील एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला होता. त्यामध्ये नाना पाटेकर हे सनी देओलला मिठी मारताना दिसले होते. दरम्यान या स्क्रीनिंग नंतर चित्रपटाचे दिग्दर्शक अनिल शर्मा, उत्कर्ष शर्मा, सिमरत कौर सह इतर कलाकारांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या. गदर क्या है, पूरे भारत का इमोशन है, पूरे हर हिंदुस्तानी का इमोशन है. तो वो इमोशन दिख रहा है. पिछले 3 दिन से नहीं, जिस दिन से हमने गदर सोची या जिस दिन से हमने गदर बनाई या जिस दिन से ये विचार भी मन में आया, गदर गदर का विचार भी मन में इसलिए है कि पब्लिक चाहती है, तब से गदर मचा ही हुआ है. वो गदर आज दिख रहा है और आज तीसरा दिन है. देखो बस मैं गदगद हो चुका हूँ लोगों के इस प्यार से और बस ईश्वर करे ऐसे ही मैं लोगों को प्यार देता रहूँ. जीते ये मनीष बाजवा जी, ये सिमरत जी, ये बस. अरे भाई मीडिया से ऐसा कमाते हैं, कौन है मीडिया से? सर बाप की जो EMI या पूंजी है बेटा होता है, आज सामने आपके है, एक कितना प्राउड हो रहा है इस चीज को लेकर? या आई एम फीलिंग वेरी प्राउड बिकॉज क्या है कि जो पुत्र होता है वो पिता के आगे का जीवन होता है. अगर अच्छे संस्कार दिए हों बच्चों को, अच्छा बच्चा हो तो पिता का जीवन आगे का अच्छा हो जाता है और हर पिता यही चाहता है. दोनों बच्चों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? दोनों बहुत बढ़िया है. सिमरत भी बहुत अच्छी है, शी इज टू गुड, बहुत अच्छे संस्कार. मजाक कर रहे हो तुम यार. उसके अंदर ऑनेस्टी है उसके चेहरे पे, जिसकी वजह से वो लोगों को कनेक्ट करते हैं. पहली बार 20 साल के बाद दोबारा ब्लैक सुनने में आया. ब्लैक क्या होता है? टिकट ब्लैक का गदर ने पूरा गदर मचा दिया है. अच्छा है ना, पब्लिक लुत्फ ले रही है, आनंद ले रही है, बड़ी अच्छी बात है. हमने भी बड़ी टिकटें ब्लैक में ली है, तो ये बात हमारे लिए टम कोई नई नहीं है. अच्छा है, एक्साइटमेंट होता है तो ऐसे ही होता है. जी बहुत खुशी महसूस हो रही है कि पब्लिक को पिक्चर इतनी पसंद आ रही है, क्योंकि हमने पूरे इसी इंटेंशन से बनाया था कि सिनेमा घरों में क्या इम्पैक्ट होगा इस फिल्म का. एंड जब जब लाफ्टर आता है, जब जब तालियां पड़ती हैं, सीटियां पड़ती हैं, पब्लिक खुश हो जाती है, डांस करने लगती है, तो बस इससे ज़्यादा आपको और क्या चाहिए कोई भी पिक्चर में. तो वी आर वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड टू सी द पब्लिक्स एक्साइटमेंट. जीते बड़ा हो गया है अभी जी, इसमें कितना फर्क लग रहा है? फ़र्क तो कुछ नहीं, बस दाढ़ी मूछ आ गई है. जीते का किरदार तो वही है जो बचपन में भी था, थोड़ा ज़िद्दी है, थोड़ा पेरेंट्स की बहुत 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 सेवा करना चाहता है, बहुत प्यार करता है उनसे, तो दिल से वही है, बस उम्र से और कद से थोड़ा बढ़ गया है. कितना मुश्किल था, चैलेंजिंग था, पापा का एक नाम है इंडस्ट्री में जी, तो ये फिल्म में कितना चैलेंज था आपके लिए? अनिल शर्मा के बेटे हैं, दूसरा गदर है, सभी पाजी साथ में हैं जी. उन्होंने कभी ये प्रेशर मुझ पर डाला नहीं, उन्होंने हमेशा बस एक ही प्रेशर डाला कि भाई तुम ऑडियंस के लिए एक्ट करते हो एंड तुम्हें अपनी एक्टिंग जितनी बेटर कर सकते हो उतना ही प्यार पब्लिक देगी. तो उन्होंने कभी ये मुझे जताया नहीं कि वो इतने बड़े और महान डायरेक्टर हैं. मैं जानता ज़रूर हूँ बट वो महसूस नहीं होने देते. सनी पाजी का कैसी केमिस्ट्री थी आपकी? अरे बहुत बढ़िया, वो ऐसे कलाकार हैं जो पूरे टीम प्लेयर हैं. वो चाहते हैं हर कलाकार एक सीन में सिक्सर मारे, चाहे वो जूनियर आर्टिस्ट हो, चाहे वो उनका पैरेलल एक्टर हो, कोई भी हो, वो हमेशा यही चाहते हैं कि हर एक्टर उस सीन में सिक्सर मारे, क्योंकि तभी पिक्चर में तालियां पड़ती हैं, सीटियां पड़ती हैं और गदर मचता है. आप क्या कहना चाहेंगे, कैसा एक्सपीरियंस रहा? मैं इतना ही कहूँगी, एक ही चीज़ बोलूँगी कि हमने सिर्फ गदर बनाई थी, आप सबने गदर मचा दी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी बस. कितना प्राउड फील करते हो इस फिल्म का हिस्सा बने आप? जिस दिन साइन की थी उस दिन विश्वास भी नहीं हो रहा था कि इतनी बड़ी मूवी का मैं हिस्सा हो सकती हूँ. प्राउड वर्ड बहुत छोटा है, अभी मुझे कुछ और इन्वेंट करना पड़ेगा कोई और वर्ड. सो या ख्वाब से कुछ ज़्यादा मेरी लाइफ में कुछ हो गया है, तो मेरे पास कोई शब्द नहीं है. कितना चैलेंजिंग था आपके लिए कि गदर जो है पहली बहुत शुक्र ऊपर एक चीज़ पे काम करना और कुछ गलती हो जाए या पसंद नहीं आए फैंस को, कितना मुश्किल था? गलती हो ही नहीं सकती ना, हमारे डायरेक्टर जब अनिल सर है, एक्टर्स ऐसे हैं, सनी सर है,
तो गलती हो ही नहीं सकती है, पॉसिबल ही नहीं है गलती की।